तो आज के इस वीडियो पर हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने फ़ोन के हीटिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आपका जो फ़ोन हीट होता है ना, तो बहुत सारे बंदों के कुछ ज़्यादा ही फ़ोन हीट हो जाते हैं। उनमें से मेरा भी है एक फ़ोन, तो वहाँ पर गाइस बहुत ही हीट हो जाता है बीच बीच में जब मैं गेम खेलता हूँ। तो यार ये सभी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती है, ये सभी प्रॉब्लम। तो यार कैसे उन सभी को हम कम कर सकते हैं, या फिर कैसे उन सभी को हम स्टॉप कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर हम यही बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर गाइस आप कहेंगे कि यार हीटिंग से वीडियोज़ क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका फ़ोन अगर कुछ ज़्यादा ही हीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि परफॉर्मेंस आपको डाउन देखने को मिलता है। यहाँ पर जब प्रोसेसर हीट होता है तो वो क्या करता है, अपना जो परफॉर्मेंस है उसको डाउन कर देता है, जिससे कि और भी वो हीट ना हो। मतलब ये कहेंगे आप कि वो अगर दौड़ रहा है तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ेगा, जिससे कि उसका एनर्जी ख़त्म हो। तो वहाँ पर गाइस वो डिवाइस को स्लो कर देता है, जिससे कि वो ज़्यादा हीट ना हो, तो इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपका फ़ोन अगर हीट ज़्यादा नहीं होगा तो आपको परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक बेटर देखने को मिलेगा, और हीट होने की वजह से फ़ोन का जो फ्रेम ड्रॉप्स है ना, वो भी काफ़ी हद तक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ टिप्स के मदद से अपने फ़ोन का हीट एंड परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो यार वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से नॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से आपका फ़ोन हीट होता है और कैसे इसको कम करना चाहिए। तो चलिए यार वीडियो को बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उसके साथ ही वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि यार आप अगर गेम खेलते हैं तो तभी आप फ़ोन कवर यूज़ करते हैं, तो जिसके वजह से फ़ोन थोड़ा हीट हो जाता है। यहाँ पर गाइस पहले से ही प्रोसेसर के ऊपर लोड होता है, ऊपर से आप अपने कवर को चढ़ा के और भी उसके ऊपर हीटिंग पैदा करते हैं, जिससे कि ये सभी चीज़ें होती है। तो इनको कम करने के लिए आप जब गेम खेलेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिना कवर विदाउट कवर के अपने फ़ोन को यूज़ करें, जिससे कि आपको हीटिंग प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व दिखता हुआ मिलेगा। और मैंने भी इसको ट्राई करा है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो है अनइंस्टॉल योर अनयूज ऐप। तो अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो यहाँ पर गाइस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और फिर उसको अनइंस्टॉल नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर ही पड़ा रहता है और बैकग्राउंड पर वो बैटरी एंड आपके रैम को कंज्यूम करता रहता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि वो जो वर्क कर रहा है तो वो बैकग्राउंड पर जब वर्क करता है तो थोड़ी बहुत फ़ोन का भी लोड बढ़ता है, जिससे कि आपके फ़ोन थोड़ी बहुत हीट हो जाती है। तो इसके लिए यार मैं कहूँगा कि जो आप एप्लीकेशन यूज़ नहीं करते हैं उन सभी को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिंपल सा वे है, सिंपल सा आप अनइंस्टॉल करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। अब जब गेम खेलेंगे तब ध्यान में ये रखना चाहिए हमें कि हम ज़्यादा हीट एरिया पर नहीं जाए, यानी कि बाहर अगर धूप है तो बाहर आप अपने फ़ोन को ले जाकर वहाँ पर अगर गेम खेलेंगे तो आपका फ़ोन बहुत ही हीट हो जाएगा, क्योंकि पहले तो एक आपका ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, ऊपर से सनलाइट उसके ऊपर पड़ता है फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, जिससे कि प्रोसेसर और भी हीट हो जाता है, तो इसीलिए परफॉर्मेंस भी वहाँ पर आपको डाउन देखने को मिलता है। तो यार ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर गाइस आप अगर हीटिंग को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई ठंडी जगह या फिर कह सकते हैं पेड़ के नीचे कहीं पर भी आप जाके जब गेम प्ले करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर और एक प्रॉब्लम सब फेस करते हैं कि जब वो चार्ज करते हैं अपने फ़ोन को तभी फ़ोन बहुत हीट हो जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर गाइस दो कंडीशन होते हैं, एक तो है आप अगर फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं चार्जिंग के वक्त तभी एक हीट होता है, दूसरा आप तो आपने कवर चढ़ा के रखा हुआ है ऊपर से आपने चार्जिंग भी करा है, तो इस तरीके से फ़ोन थोड़ा हीट भी हो जाता है। तो यहाँ पर गाइस मैं सजेस्ट करूँगा जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। और यहाँ पर गाइस आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब आप फ़ोन को चार्ज करेंगे तो फ़ोन का जो कवर है वो उतार के आप चार्ज कर देना, और ये चीज़ें करने से आपको थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर गाइस जो चौथा पॉइंट है, तो वो यहाँ पर गाइस ज़्यादातर बंदे यही चीज़ें गलत करते हैं कि यार वो चार्जिंग पर लगा के गेम को खेलते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि वहाँ पर गाइस आप अगर चार्जिंग पर लगा के गेम खेलते हैं तो वहाँ पर फ़ोन कुछ ज़्यादा ही हीट होता है, और उसके अलावा यहाँ पर गाइस फ़ोन का जो यहाँ पर उनका बैटरी लाइफ है वो भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप चार्ज करेंगे तो फ़ोन पर कोई भी चीज़ें ऐसी मत करना जिससे कि आपके फ़ोन के ऊपर लोड बढ़े और आपका फ़ोन हीट हो। तो यहाँ पर गाइस ये थे मेरे कुछ टिप्स, आप इनको अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका फ़ोन जो है तो वो कूल, या फिर कह सकते हैं जो हीटिंग प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व देखता हुआ मिलेगा। तो यार ज़रूर से एक बार ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद बताना कि यार कैसा लगा आपको ये ट्रिक।